जी हाँ दोस्तों, Vivo V23 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है। ऑलरेडी हमारी काफी वीडियोस आ चुकी हैं इसी सीरीज को लेके, अनबॉक्सिंग वीडियोस, कैमरा टेस्टिंग वीडियोस, काफी वीडियोस हमने डाल दी है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, तो वो वीडियोस भी आप जाके जरूर देख सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बट आज की इसी वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पे लोअर वेरियंट है Vivo V23 स्मार्टफोन, उस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, कौन सी स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिसिंग देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती, और क्या यहाँ पे इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली ये स्मार्टफोन बेस्ट होता है या नहीं, मतलब बाय करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरी जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। वीडियो शुरू करने से पहले ये भी बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफी अच्छा लगता है अगर आप सपोर्ट करते हो। तो जल्दी से इसी वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स के अंदर ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बेस वेरिएंट आपको 8GB रैम 128GB के साथ देखने को मिलता है 29,990 का, हायर वेरिएंट आपको 12GB रैम 256GB के साथ में देखने को मिलता है 34,990 का, मतलब दो वेरिएंट्स आपको 30,000 और 35,000 के प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली बेस्ट होता है या नहीं, ये स्मार्टफोन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसी फोन के मेन हाइलाइटिंग फीचर की ही बात करूं तो यहाँ पे कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। Vivo ने यहाँ पे R&D वगैरह करके काफी अच्छा डिजाइन आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पे कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। पीछे की तरफ आपको HE फ्लोराइड ग्लास का यूज हुआ है बेसिकली, जो यहाँ पे सनशाइन के अंदर अपना कलर चेंज कर पाएगा। हाँ यार, आप ये भी बताओ कि क्या आप इसी स्मार्टफोन के ऊपर जब आप केस लगा लोगे, जो भी आप लोकल शॉप से केस बाय करते हो डिफरेंट कलर के अंदर, क्या आप यहाँ पे धूप के अंदर जाके बार बार अपने केस को उतारोगे इसी के कलर चेंजिंग स्मार्टफोन को ट्राई करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए? मुझे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता। मतलब अभी तक ये भी नहीं हमें यहाँ पे श्योर है कि जो सिलिकॉन केस होता है, ट्रांसपेरेंट केस होता है, उसके अंदर ये यहाँ पे मतलब कलर चेंज कर पाएगा या नहीं, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। और मुझे ये भी जरूर पता है कि बहुत यहाँ पे कम लोग होंगे जो यहाँ पे इसी स्मार्टफोन को, इतने महंगे स्मार्टफोन को बिना केस के रखेंगे। तो मतलब अगर केस रखोगे तो भाई यहाँ पे कलर चेंज तो क्या ही हुआ भाई, उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है इसके बारे में। और अगर हम बात करें इसी फोन के दूसरे मेन हाइलाइटिंग फीचर की, वो है इसी के कैमरास। इसके पीछे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप है। आगे की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल की ड्यूल सेल्फी देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है और आगे की तरफ जो 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, वो यहाँ पे नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। यहाँ पे इस बार यहाँ पे प्राइमरी कैमरास के अंदर Vivo ने हमें OIS का सपोर्ट नहीं दिया है, जो यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन होती है वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, वो आपको नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे आपको इसी फोन के अंदर सिर्फ EIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे पिछली बार V21 के अंदर दोनों में आपको OIS देखने को मिला था, फ्रंट कैमरा में भी बैक कैमरा में भी, बट इस बार आपको नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे कैमरास की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरास हैं, जैसे जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, वो कम से कम आपको यहाँ पे 13 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल का दे सकते थे तो काफी अच्छा होता, बट यहाँ पे ठीक ठाक आपका काम कर जाएगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और जब तीसरा कैमरा है भाई 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, वो तो मैं भाई आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा यूज करने के लिए, क्या ही आपके शॉट्स लेगा 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा। इससे बढ़िया यहाँ पे अगर आपको 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस प्रोवाइड कर देते 3x ऑप्टिकल जूम के साथ में तो काफी अच्छा होता, बट यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो ही देखने को मिलता है। आगे की तरफ यहाँ पे जो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, वो यहाँ पे नो डाउट ठीक है भाई, बाकी ब्रांड तो हमें नहीं प्रोवाइड करते, एटलीस्ट आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आगे की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त या व्लॉगिंग वगैरह करते वक्त आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बात करें अगर हम इसी फोन के थर्ड मेन हाइलाइटिंग फीचर की, वो है इसी का प्रोसेसर। इसके अंदर आपको मिल्टे का डायमेंसिटी 920 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट हो जाता है, बट यहाँ पे इस चिपसेट के अंदर भी आपको LPDDR5 रैम इन्होंने नहीं प्रोवाइड की। इस फोन के अंदर आपको सिर्फ LPDDR4X रैम देखने को मिलती है, जो आपको नॉर्मली इस प्राइस रेंज के अंदर LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 7 5G बैंड देखने को मिलते हैं इसी फोन
के अंदर जनरली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 10 से 11 5G बैंड्स आराम से देखने को मिल जाते हैं, बट इस फोन के अंदर आपको 7 5G बैंड्स ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बात हो जाती है परफॉर्मेंस की। हाँ, प्रोसेसर अच्छा है आपका, बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है आपका, अच्छा वर्क कर जाएगा, बट यहाँ पे ये दो चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था। इसी के साथ यहाँ पे बात करें अगर हम इसी फोन की बैटरी की, तो इस फोन के अंदर आपको 4200 एमएच की बैटरी देखने को मिलती है। जनरली इस प्राइस रेंज के अंदर 5000 एमएच बैटरी आराम से देखने को मिलती है, बट यहाँ पे इसी फोन को स्लिम रखने के लिए इसी फोन के अंदर 4200 एमएच डाली है इन लोगों ने। हाँ, यहाँ पे 4600 या 4700 एमएच बैटरी होती तो काफी अच्छा होता। इसी के साथ फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 44 वोल्ट की फ्लैश चार्ज देखने को मिलता है, बट इस प्राइस रेंज के अंदर 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग आराम से देखने को मिल रही है आपको आज के टाइम में वन प्लस में में सभी ब्रांड्स के अंदर। तो आपको एटलीस्ट 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते थे। इसके साथ बात करें अगर हम इसी फोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। जनरली आपको इस प्राइस रेंज के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आराम से देखने को मिलता है भाई। नो डाउट यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी है, एमोलेड डिस्प्ले है, HDR10 का सपोर्ट है, ब्राइट डिस्प्ले है, बट यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इन्होंने मिस कर दिया जो आपको देना चाहिए था प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे आपको इसी की डिस्प्ले के अंदर नोट्स देखने को मिल जाएगी भाई। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है नोट एंड्रॉइड के अंदर। आईफोन का भाई अलग सिस्टम है, आईफोन का यहाँ पे iOS है, यहाँ पे उनका सिक्योरिटी सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग है। आईफोन को यहाँ पे कॉम्पिटिशन देने वाला मतलब मुझे तो लगता नहीं भाई कोई है। जिन लोगों ने आईफोन लेना है उन लोगों ने आईफोन ही लेना है, चाहे वो नोट्स दें चाहे वो पंचोल डिस्प्ले दें, बट यहाँ पे एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे आज के टाइम में डिस्प्ले के मामले में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। बाकी ब्रांड्स आपको छोटे छोटे से पंचोल प्रोवाइड करते हैं, बट इस फोन के अंदर आपको नोज देखने को मिलेगी और आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी नहीं देखने को मिलता है इसी फोन के अंदर, जो यहाँ पे गेमर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि मोस्टली गेमर्स यहाँ पे वायर्ड ईयरफोन्स को लगाना पसंद करते हैं गेमिंग को करते वक्त, तो वो बात यहाँ पे देखने वाली है। हाँ, यहाँ पे मतलब बॉक्स के अंदर इन्होंने कनेक्टर प्रोवाइड करी है जो यहाँ पे टाइप सी टू हेडफोन जैक वाला कनेक्टर है, बट यहाँ पे सीधा लगाने में जो मजा है भाई वो यहाँ पे कनेक्टर के साथ में नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे होल ही था वो दे सकते थे। इसके साथ आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है इसी फोन के अंदर, मतलब 30,000 में भी यार सिंगल स्पीकर ड्यूल सीटर स्पीकर से देने चाहिए थे, वो भी ट्यून्ड भाई जैसे JBL हरमन कार्डन। कुछ यहाँ पे ब्रॉडबेस देखने को मिलेंगे आपको फोन के अंदर, प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलेंगी जो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं देने चाहिए थे इनको। इसी फोन के अंदर आपको IP रेटिंग नहीं देखने को मिलती, पूरे लॉन्च इवेंट के अंदर IP रेटिंग का कोई भी जिक्र ही नहीं किया गया। FM रेडियो का सपोर्ट आई थिंक नहीं देखने को मिलता आपको इस फोन के अंदर। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको इस फोन के अंदर गूगल डायलर देखने को मिलता है, जिससे भी बात करोगे तो उसको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा, वो बात भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, मतलब आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको ड्यूल नैनो स्लॉट देखने को मिलता है इसी की सिम ट्रे के अंदर, मतलब यार हाइब्रिड दे सकते थे कि एक मेमोरी कार्ड एक सिम एटलीस्ट लगा सके भाई, मतलब नहीं आपको देखने को मिलता। वो बात भी ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ी मेमोरी को एक्सपेंड करने के लिए वो आप नहीं कर पाओगे इसी फोन के अंदर। इसी के साथ आपको प्रीमियम हैप्टिक्स नहीं देखने को मिलते, सिंपल आपको नॉर्मल वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। ये थी दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो इसी फोन के नेगेटिव पॉइंट्स को लेके। अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मिस कर गया हूँ तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे ये फीचर भी आपको इसी फोन के अंदर मिसिंग देखने को मिलता है या मतलब कौन देखने को मिलता है, नेगेटिव देखने को मिलता है, जरूर बताइएगा नीचे। तो मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊँ कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे अगर ये फोन 26,000 से लेके 27,000 के प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च होता, यहाँ पे जो मेन फीचर है जैसे OIS आपको देखने को मिलता, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती, नोट्स ना देखने को मिलती, तो मैं यहाँ पे आपको जरूर रिकमेंड कर सकता था जो भी ये मेन फीचर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं अगर। बट अगर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर भी ये फीचर्स आपको नहीं देखने को मिल रहे स्मार्टफोन के अंदर, तो मैं आपको इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा ये स्मार्टफोन को बाय करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह के लिए अच्छे कैमरास को यूज करना है वो लोग तो जरूर बाय कर सकते हैं। बाकी अपनी राय भी बताइएगा कैसे लगा आपको ये स्मार्टफोन ये वीडियो को देख के, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।